कोई ऑप्शन नहीं है असल में इस तरह से जब हम फॉर्म लगाते हैं तो, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर हम करना चाहते हैं तो हम ऑन सबमिट में क्या करते हैं, जितने भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं, जाहिर है जो भी वैल्यूज़ हैं वो स्टेट वेरिएबल में जा रही होती हैं, ये इन्होंने बनाया होगा, जैसे ये स्टेट वेरिएबल है ना, तीन इनपुट्स हैं, तीन स्टेट वेरिएबल है, तो मैं क्या करूँगा, अमाउंट को चेक करूँगा कि कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर मैंने कहा यार 1000 से ऊपर नहीं लग सकता अमाउंट, जस्ट इन केस। अब मैं इस पर रोकना चाह रहा हूँ, मैं कैसे रोकूंगा, एक तो तरीका ये है कि मैं इस पर इनपुट पे ही लगा दूँ कि मैक्सिमम 1000 ना, एक तो ये तरीका है, लेकिन मिसाल के तौर पे उसको बाईपास कर लिया, वो यूज़र के बाईपास कर सकता है उसको बहुत ईजिली। मैं जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ, या कोई ऐसी लॉजिक है, मिसाल के तौर पर कोई ख़ास नाम है वो मैं अलाउ नहीं करना चाह रहा, ठीक है, कोई ख़ास नाम है, मिसाल के तौर पर किसी ने आदिल अगर नाम लिखा ना, तो मैंने कहा बस आदिल एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी सब लिख सकते हैं, ठीक है। या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार तीन कैरेक्टर से कम का नाम नहीं हो सकता, या मैं ये कह रहा हूँ कि कोई डिक्शनरी का वर्ड जो है वो नाम नहीं हो सकता, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूँ जो उससे नहीं हो सकती HTML5 की वैलिडेशन से। HTML5 की वैलिडेशन बड़ी लिमिटेड होती है, उसमें मिनिमम मैक्सिमम वगैरह ये चीज़ें लगती हैं, तो वो काम अगर मुझे करना है यहाँ पे तो मैं कब करूँगा और कहाँ पे करूँगा, सही है। ऑन सबमिट का ये सबमिट हैंडलर है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसके अंदर आऊँगा यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर आके अगर मैं इफ़ वगैरह लगा के ना, इफ़ लगाऊँगा और मैं बोलूँगा भाई अगर इफ़ ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो एग्जियोस कॉल कर दो, अदरवाइज ना करो, ये करूँगा मैं, लेकिन फिर मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता, मुझे उसको एरर का मैसेज भी दिखाना है, वो मैं कैसे दिखाऊँगा। तो इन तमाम मसलों का एक हल है, एक कंपोनेंट है, एक बना बनाया, एक हुक है। हुक जैसा कि मैंने जिक्र किया था, हुक किसको कहते हैं, जो UI से हुकअप हुआ हो, सही है, UI जब चेंज होगी तो डायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, या वो चेंज होगा तो UI को चेंज करेगा, UI से वो हुकअप हुआ हुआ होता है, तो ऐसी चीज़ को हम हुक्स कहते हैं। तो एक हुक है फॉर्मिक नाम का, अभी तो हम फॉरन नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की ना, तो पता ये चला हमने कि रिएक्ट के अंदर हम फॉर्म इस तरह करके लगा तो सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर एक तरीका मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मिक हुक। अच्छा, फॉर्म के और भी हुक्स हैं ना, फॉर्मिक एक कंपनी है, थर्ड पार्टी कंपनी है, रिएक्ट का अपना नहीं है, वो कोई कंपनी है, उसने बनाया हुआ है वो फॉर्मिक के नाम से एक हुक। और भी कंपनीज हैं 4-5 जिन्होंने अपने अपने हुक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं जाके लिखूँगा ना गूगल के ऊपर रिएक्ट फॉर्म्स हुक, तो देखना 2-3 लिस्ट आ जाएगी ना, 2-3 लिस्ट आ जाएगी, ये रहा देखो, एक रिएक्ट डैश हुक डैश फॉर्म है, सही है, एक और क्या है रिएक्ट फॉर्म हुक, तो ऐसे 4-5 है मतलब ना। वेल, तो हमें कौन सा वाला पढ़ना है, हमें पढ़ना है फॉर्मिक इस कोर्स में। फॉर्मिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, फॉर्मिक हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि जो आपका वो है ना रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें भी उन्होंने जो जहाँ पे फॉर्म का जिक्र है ना, वहाँ पे फॉर्म का थोड़ा बहुत बता के आइडिया, उसके बाद उन्होंने बोला यार ये फॉर्मिक आप यूज़ कर लो, तो उन्होंने क्योंकि सजेस्ट किया हुआ है वहाँ पे, रेकमेंड किया हुआ है, इसलिए हम फॉर्मिक पढ़ रहे हैं। और अभी तक फॉर्मिक जहाँ तक यूज़ किया है मैंने, तो तकरीबन सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं, कहीं पर ऐसा नहीं होता कि यार पता नहीं चल रहा कि कैसे होगा, ठीक है। वेल, अभी तो फॉर्मिक को हम बंद करते हैं, अभी कुछ चीज़ें हमारी और भी बाकी हैं। अच्छा, हमने जो काम कर लिया था ना यहाँ पर, राउटर तक तो हमने पढ़ लिया था, और ये ट्विटर कॉपी वाले पे मैं आ जाता हूँ वापस। हमने एक बनाया था यूज़ इफेक्ट, सही है, किस पे था, पोस्ट वाले पे था, वो होम पे था, ये जो हमने बनाया था ना यूज़ इफेक्ट, ये एक हुक है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं पहले से, इसकी एक चीज़ बाकी है। अभी तक मैं इस यूज़ इफेक्ट के बारे में क्या बता चुका हूँ आप लोगों को, लोड होते ही ये चलता है, सबसे पहली बात, कंपोनेंट जब लोड होता है ना तो ये कंपोनेंट लोड होने के बाद चलता है, ठीक है, छोटी सी डिटेल है। अच्छा, उसके बाद ये जो छोटा सा इसने बनाया हुआ है ना स्क्वायर ब्रैकेट, बल्कि उसको हम जरा वहाँ जाके पढ़ लेते हैं ना, जो डेव CDI है ना उसने इसके बारे में काफ़ी डिटेल लिखी है, तो वो हम वहाँ से ज़रा देख लेते हैं। यूज़ इफेक्ट जो है ना,
सही है, यहाँ पे ये यूज़ इफेक्ट बता रहा है यूज़ इफेक्ट के बारे में। अच्छा क्या इसने बताया यहाँ पे कि वी आर यूजिंग अ न्यू हुक हेयर दैट इज कॉल्ड यूज इफेक्ट हुक। द वे इट वर्क्स इज यू पास इट अ फंक्शन एंड यूज इफेक्ट क्यूज अप दैट फंक्शन टू रन आफ्टर द रेंडर इज डन। कह रहे हैं कि ये आप यूज इफेक्ट के अंदर जो भी बात लिखते हो ना, यूज इफेक्ट के अंदर जो एक फंक्शन पास करते हैं, ये वाला फंक्शन है ना पूरा, ये सही है, सब लोग एग्री कर रहे हैं ना इससे, ये फंक्शन है। देखो यहाँ से ये गोल ब्रैकेट इसकी स्टार्ट है और यहाँ से करली बॉडी स्टार्ट है इसकी, और ये बॉडी ख़त्म कहाँ पे हो रही है, बॉडी ख़त्म हो रही है इस जगह पे, ठीक है। अच्छा ये करली ब्रैकेट मैं उसका है, ये देन का है, देन की भी करली ब्रैकेट है ना, यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो रहा है, ये फंक्शन है ना, सब लोग एग्री कर रहे हैं। अच्छा तो ये बोल रहा है कि भाई यू पास इट अ फंक्शन, यूज इफेक्ट को क्या देना होता है, आपको एक अदद फंक्शन देना होता है। यूज इफेक्ट के दो पैरामीटर्स हैं, नंबर एक फंक्शन, अब ये भी आप कर सकते हैं कि फंक्शन बना के उसका नाम पास कर दें, पूरा का पूरा फंक्शन ही यहाँ पे बना दें, परफेक्टली फाइन, दोनों आप काम कर सकते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि फंक्शन यहीं पे बना दें, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में ट्यूटोरियल में लोग इसी तरह इसको कर रहे होते हैं, फंक्शन अलग से बना के पास करना एज अ, ये ऐसे कोई करना नहीं होता आमतौर पर, ठीक है। अच्छा तो कह रहे हैं कि जब आप फंक्शन इसको पास करते हैं तो यूज इफेक्ट क्या करता है, क्यूज अप, क्यू किस चीज़ को कहते हैं, कतार को कहते हैं, लाइन को कहते हैं, ठीक है। अच्छा क्यू बाय द वे कंप्यूटर साइंस में एक टर्मिनोलॉजी है बाकायदा, क्यू का मतलब क्या होता है, जो पहले आया उसको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है। ये कतार की तो बात हो रही है, लेकिन कतार ये सिर्फ सीधे खड़े होने का नाम कतार नहीं है, कंप्यूटर साइंस में क्यू का मतलब ये होता है कि जैसे बैंक में आप गए काउंटर पर, 10 लोग खड़े हुए थे पहले से, आप जाके लग गए 11वें। अच्छा तो जो सबसे पहले आया था ना, वो सबसे पहले काउंटर वाला उसको डील करेगा, ठीक है, वो गया, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आया था फिर वो डील करेगा, फिर थर्ड पे आया था वो डील करेगा, फिर फोर्थ पे आया था वो डील करेगा, एक एक करके वो डील करता जाएगा। अच्छा आप ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, आगे आते जाएंगे। अच्छा आपके पीछे जो आ रहा है वो आपके बाद सर्व किया जाएगा, तो क्यू का एक स्पेसिफिक मतलब होता है जो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है क्यू अप, तो इसका मतलब ये है कि जो भी फंक्शन आप देंगे ना वो फौरन नहीं चलेगा, अगर उससे पहले कोई फंक्शन मौजूद है तो वो पहले चलेंगे, आपका फंक्शन बाद में चलेगा जो आपने अभी दिया, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पर काउंटर ही खाली है तो इसमें क्यू क्या होगा कि आप गए आपको डायरेक्ट सर्व कर दिया गया, ख़त्म, ना पीछे कोई होगा ना आगे कोई होगा, तो काउंटर मोस्ट ऑफ द टाइम तो खाली होगा, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा हुक नहीं चल रहे हमारे। वेल अगर उसमें पहले से कोई फंक्शन हुआ तो वो पहले चलेगा। अच्छा अच्छा क्या बोल रहे हैं कि यूज इफेक्ट क्यूज अप दैट फंक्शन टू रन आफ्टर रेंडर इज डन। कंपोनेंट लोड होगा, जो नीचे का जेएसएक्स है वो पूरा रेंडर कर दिया जाएगा, उसके बाद ये चलेगा, सही है। ये अभी छोटी सी डिटेल लग रही है लेकिन कुछ समटाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, समझ नहीं पा रहे होते कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है। आप कहते हैं यार यूज़ इफेक्ट में मैंने ये चलाया तो ये चल जाना चाहिए, फिर ये यूआई पे क्यों नहीं शो हो रहा है डायरेक्ट, थोड़ी देर में क्यों शो हो रहा है, इस तरह आपको ना कन्फ्यूजन हो, तो आप ये जहन में पहले से ही बात समझ लें कि ये कब चलेगा, रेंडर कंप्लीट होने के बाद चलेगा, ठीक है। टाइम तो नेक्स्ट टिक होगा, टाइम तो नेक्स्ट टिक पता है सब वो क्या होता है, हाँ नहीं अगला सेकंड नहीं है। अच्छा कोई और इसमें बोलना चाहेगा, नेक्स्ट टिक क्या चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, व्हाट इज नेक्स्ट टिक, अगला सेकंड इसने, यानी बात तो इसने सही बोल दी है अगला सेकंड या अगला लवा, लेकिन इसका एक मतलब है, नेक्स्ट टिक का जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मतलब है। पता है किसी को, कोई है जावास्क्रिप्ट जिसने पहले से पढ़ी हुई है यहाँ पे, अब तो बोलोगे भी नहीं तुम लोग शुरू में हाथ खड़े करते थे एक दिन लगे, सर मैंने पढ़ी हुई है जावास्क्रिप्ट, अब वो सबने हाथ खड़ा करना छोड़ दिया। चलो हाँ रियल टाइम, अच्छा गूगल करो ना, गूगल करके बताओ जल्दी से, गूगल करो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नेक्स्ट टिक क्या चीज़ होती है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम।
जी जी कर रहा हूँ बिल्कुल। ये अपना जावेद भाई बात कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, तो आप कौन से वाले घर पे खड़े हुए हैं? असल में मेरे दो तीन वहाँ पे जगह है ना मेरी, तो कौन से? ये डॉक्टर की क्लिनिक के पास जो है, इसके जो है ना 25 डिमांड है इसकी, और ये 60 गज पे बना हुआ है। हाँ, न्यू कंस्ट्रक्शन है ना, बाहर नया प्लस्तर हुआ है ना इसके। हाँ, ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, अभी कलर करवाना है इसके अंदर, वो इंशाल्लाह हम करवाएंगे बहुत जल्दी। जी जी, फाइनल तो खैर क्या है, वो आपके साथ मिल के बैठेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है, गुंजाइश हो जाएगी। दूसरा ये कि आप रेंज अपनी बताएं ना, आपकी क्या रेंज है? अच्छा, तो आपको ना हम मेरी जो दूसरी एक जगह है ना, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो आप इधर ही रहते हैं याकूबाबाद में? नहीं, मकसद आप इधर ही याकूबाबाद में रहते हैं तो मैं आपको फिर अब लोकेशन बताता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, वो कहने का मकसद ये कि वो 18 नंबर गली लगती है, इसी पट्टी में आगे जाएंगे ना, यानी इस रोड पे जो आप ऊपर जाएंगे ना मेडिको मस्जिद की तरफ, यार इसमें आप घर पे आ जाना, मेरे बैठ के बात कर लेंगे। हाँ, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है बहरहाल, जितना आपकी रेंज है ना उतने में तो नहीं होगा। नहीं, यानी जितनी आपने जो रेंज बताई है ना कि मेरी इतनी रेंज है, उसमें तो नहीं होगा ना ये, उसमें तो उसके लिए तो माल रहे। हम इसमें 2 कम कर देंगे आपको, और बोले सही है, बाकी मेरे पास जगहें और भी हैं, आप अगर दिन में आ जाएंगे ना। चलिए, हाँ भाइयों, तो क्या पता चला? व्हाट इज नेक्स्ट टिक इन जावास्क्रिप्ट? नहीं, ये अभी रिएक्ट की डेटा चेंज की बात नहीं, और ये प्लेन जावास्क्रिप्ट की चीज़ है। हाँ, रियल टाइम एप्लीकेशन। नेक्स्ट टिक बताओ ना क्या है, रियल टाइम एप्लीकेशन में नेक्स्ट टिक क्या है? रियल टाइम एप्लीकेशन तो नेक्स्ट टिक से बनती है, वो तो मैं समझ रहा हूँ बात तुम्हें, लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशन में नेक्स्ट टिक क्या कर रहा होगा जी? कॉल बैक फंक्शन सर, रियल टाइम एप्लीकेशन में डाटा का चेंज होना, रियल टाइम एप्लीकेशन में डाटा का चेंज होना नेक्स्ट टिक है। और देखो, गूगल करना भी एक स्किल है, मैं इसलिए तुम लोगों को कह रहा हूँ गूगल करोगे। अच्छा, कुछ एक दो लोगों ने काफ़ी करीब करीब बताया, सही पता लगा लिया उन्होंने, जो एग्जीक्यूट हो गया उसको। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं दोबारा कॉल, लेकिन ये नेक्स्ट टिक ये नहीं है। सर, ये बोल रहा है अगले लूप के अगले आइटरेशन के अंदर ऐसा कुछ है जो लूप के अगले आइटरेशन में इन्वोक हो। हाँ, किसके लूप के अगले आइटरेशन में? इवेंट लूप। कितना करीब करीब पहुंच गया ये, देखो समझ में आया सब लोगों को इसने क्या बात की? इवेंट लूप क्या चीज होता है पता है किसी को? नहीं, वो तो तुमने पहले भी सही बताया था, अभी भी सही बताया है, लेकिन इवेंट लूप क्या चीज़ है पता चला तुम्हें? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता ना जावास्क्रिप्ट का, इवेंट लूप वाला, तो आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती, ठीक है। हमने अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये कवर नहीं किया टॉपिक, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, सही है। तो मैं बताने लगा हूँ, मैं ऐसा मैं खुद बताऊँगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास तौर पे सर्वर पे। अभी तो सर्वर हमने शुरू नहीं किया ना, ये सर्वर का टॉपिक है असल में, लेकिन ये आपके रिएक्ट में भी वो कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि रिएक्ट भी तो कंपाइल होता है ना आपका, और कंपाइल होकर कॉल बैक वगैरह सारी चीज़ें इसमें भी चल रही होती हैं। असल में ये सर्वर जब शुरू करते हैं ना, उस वक्त पढ़ाया जाता है कि नेक्स्ट टिक क्या चीज़ है, कॉल बैक्स वगैरह, प्रोमिस वगैरह के टाइम पर। लेकिन अभी बात निकल आई है, तो हम मैंने कहा चलो अभी डिस्कस कर लेंगे।
इवेंट लूप जल्दी से सर्च करोगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप क्या होता है। इसने बिल्कुल सही बोला है कि इवेंट लूप एक बार फिनिश होता है ना, तो अब अगली बार जब वो शुरू से चलता है दोबारा, तो वो दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट इक। अब इवेंट लूप जल्दी से सब लोग सर्च करोगे जावा स्क्रिप्ट में इवेंट लूप क्या होता है। अब इसकी उर्दू भी बताओ। नहीं, डेफिनेशन तो तुमने बिल्कुल सही पढ़ी है, बिल्कुल पकड़ लिया तुमने, पक्की डेफिनेशन पकड़ी है तुमने, लेकिन अब इसको जल्दी से समझ के बताओ कि ये बोल क्या है। नहीं, ये तुम दोबारा पढ़ो ना, लाइन अच्छी पढ़ी थी तुमने। बिल्कुल सही तुमने बताया, लेकिन अब तुम इसको ट्रांसलेट भी करके बताओ, क्योंकि तुमने पढ़ तो लिया लेकिन तुम्हें समझ तो नहीं आया ये लिखा हुआ क्या है ना। हाँ भाई, कोई और इस पर रोशनी डालना चाहेगा? अंधेरे में पड़ा हुआ है इवेंट लूप, जज्बात में आ गए ये तो। हाँ भाई, कोई रोशनी डालना चाहेगा इवेंट लूप के ऊपर? खुद अंधेरे में पड़े। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक वीडियो निकाल के देता हूँ, सही है? ये वीडियो में पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? ये वीडियो अभी नहीं देखनी है आपने, ये वीडियो घर जाके देखनी है, ठीक है? ये है वो वीडियो। अरे भाई, ये एड इसने पहले दिखा देना जिंदगी में मेरे, ठीक है? ये बंदा है जो समझा रहा है कि इवेंट लूप क्या है, लेकिन ये वीडियो आपने अभी नहीं देखनी, ये घर जाके आराम से देखनी है। मैं आपको वैसे ही सिंपल लफ्जों में बता देता हूँ कि इवेंट लूप क्या है और उसका नेक्स्ट टिक क्या चीज़ है, ठीक है? नेक्स्ट टिक क्या है? असल में जावास्क्रिप्ट को ना, जब आप एक साथ बोलते हैं ना, बहुत सारे फंक्शन कॉल करो, एक साथ जब आप उसको बोलते हैं ना, बहुत सारे फंक्शन जब आप उसको बोलते हैं कॉल करो, तो वो क्या करता है, वो उसको स्टैक बना लेता है अपने पास एक जगह ना, ऐसे किताबों की तरह रख लेता है उसको, और नीचे से एक एक करके उसको कॉल करता जाता है। हाँ, लाइक क्यू, जब भी उसने लिखा है क्यू अप, क्योंकि वो स्टैक में क्यू कर रहा है उसको। अच्छा, अभी असल में वो वीडियो देखोगे ना, फिर प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है? तो असल में टॉपिक था ये बात का, लेकिन अभी बात निकल आई तो मैंने वो शेयर कर दिया, वो देख लेना। अच्छा, होता क्या है, जैसे इवेंट लूप, चलो मैं बता देता हूँ, उससे मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि क्या चक्कर चल रहा है। इवेंट लूप ये है, हमने इवेंट्स पढ़े हैं सब लोगों ने। इवेंट्स क्या होते हैं, कि कुछ भी चल रहा है ना, दैट इज इवेंट। एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, छोटा सा कोड होता है, छोटा सा एक सीक्वेंस होता है अंदर, वो क्या कर रहा होता है, वो कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है कि कोई है तो नहीं गेट पे, कोई है तो नहीं गेट पे, ऐसे करके चेक कर रहा होता है कंटिन्यूसली जितने भी इवेंट है सब पे। तो कोई भी इवेंट जब अकर होता है ना, कोई भी इवेंट जब अकर होता है, तो जाहिर है वो एक जो इसका इवेंट लूप चल रहा है, वो एक सर्टेन डिले से चलता होगा, मतलब एक मिली सेकेंड में एक बार चलता होगा मे बी, इस तरह का कोई नैनो सेकेंड का कोई इसका लिमिट होगी ना कुछ, खैर इतनी देर बाद ये एक बार चलेगा। तो जब इवेंट वो हो जाता है ना, और जब ये दोबारा लूप घूमता है, तो ये उस इवेंट को पकड़ता है और आपको देता है, सही है? तो दैट इज़ कॉल्ड इवेंट लूप। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपने कोई बात लिखी, आपने लिखा सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन देते हैं वो बाद में चलता है, ऐसा ही है ना? लेकिन आपने सेट टाइम आउट दे दिया और उसमें दिया जीरो, टाइम आउट जीरो, तो वो उसको फौरन चल जाना चाहिए, लेकिन वो फौरन नहीं चलता, वो फिर अगले इवेंट लूप में चलता है, क्योंकि जैसे ही वो जीरो एक्सपायर होता है ना, वो उसको उठा के सीधे कोड को सीक्वेंस सीधा एग्जीक्यूट करता जाता है, लेकिन उसको उठा के कहाँ भेज देता है, इवेंट लूप के अगले साइकिल पे भेज देता है कि भाई अगला साइकिल होगा ना तो इसको चलाएंगे फिर। वो वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हम सर्वर जब पढ़ेंगे ना, तो एक बार उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे होपफुली, ठीक है? सर्वर तक पहुँच तो जाए पहले। अच्छी वीडियो है वो, और काफ़ी पुरानी वीडियो है, मैंने भी उसी से ही समझा था, और उसके व्यूज़ वगैरह कमेंट्स देख के ही तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा, बंदा बड़ा क्रेडिबल है, बहुत बड़ा तीर मारा है उसने ये समझा के। अच्छा,
वरना बुक्स वगैरह में ना जो लिखा हुआ है वो नहीं समझ में आता, बड़ा मुश्किल करके लिखा हुआ है, नॉट जस्ट की डॉक्यूमेंट्स में भी वो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तो खोला तो चक्कर ही आ जाते हैं उसको पढ़ के ना क्या लिखा है। उसने वीडियो में थोड़ा एनिमेशन वगैरह बना के ना बड़ा अच्छा करके बताया कि अच्छा ये इधर चला गया, ये उठ के इधर चला गया, तो आराम से तसल्ली से देख लेना घर में बैठ के, और मे बी हम नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कशन भी कर पाए थोड़ी बहुत, अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो हम यहाँ पे फिर उसको डिस्कस करेंगे कि अच्छा ये कैसे चल रहा है। वेल, तो इसने बोला कि यूज़ इफेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन आप देते हैं वो क्यूज अप दैट फंक्शन टू रन आफ्टर द रेंडर इज डन, जब रेंडर डन हो जाता है तो उसको वो एक बार चला देता है। अच्छा, दिस पर्टिकुलर इफेक्ट कॉल्स एक्सियोस डॉट गेट, कह रहा है कि हमारे केस में ना API इसने कॉल की हुई है, कह रहा है हमारे केस में ये जो इफेक्ट होता है ना ये क्या कर रहा है, ये API कॉल कर रहा है टू फेच द डेटा फ्रॉम द रेडिट API, इन्होंने रेडिट की API कॉल की हुई है ना, हम ट्विटर की करना चाह रहे थे हम कर नहीं पाए, इन्होंने रेडिट की API कॉल की हुई है। अच्छा, रेडिट API रिटर्न दिस 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 दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसने यहाँ पे जो बात की, इतना तो आप सब लोगों को पता है, इतना हम देख चुके थे पहले ही। अब ये जो डिपेंडेंसी आ रहा है ना ये क्या बोला है, कह रहा है वन थिंग यू माइट हैव नोटिस्ड, वी आर पासिंग एन एम्प्टी एरे एज द सेकंड आर्गुमेंट टू यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में दो आर्गुमेंट है, पहला एक फंक्शन है, दूसरा एक एम्प्टी एरे, कॉमा डाल के एक एम्प्टी एरे होता है। कह रहा है ये क्या बोला है भाई, दिस इज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल दैट इज इफेक्ट डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। ये जो इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट समझते हो, हमें नुकसान नहीं होता भाई, साइड इफेक्ट नुकसान नहीं होता। साइड इफेक्ट का जो लफ्जी मतलब है वो ये है कि मेन इफेक्ट कोई होता है ना उसके साथ साथ वो भी हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप जब पेन किलर की गोली खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी किडनी ख़राब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट इज नॉट ऑलवेज अ नुकसान, साइड इफेक्ट इज जस्ट अ इफेक्ट, वो साथ साथ होगा उसके, क्योंकि उसमें जो केमिकल है वो दोनों पे इक्वली असर अंदाज होता है, तो एक चीज़ ठीक होती है दूसरी ख़राब भी होती जाती है साथ साथ। साइड इफेक्ट अच्छे भी होते हैं बाय द वे, साइड इफेक्ट जो है वो अच्छे भी होते हैं। अगर आपकी अच्छी जॉब लग गई है तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, शरीफ बच्चे हैं सारे ये देखो पहुँच गया भाई, अगर अच्छी जॉब लगी है तो आपको लड़की भी अच्छी देगी ना फिर बंदे, अच्छी जगह आपकी, अच्छी जगह आपका रिश्ता हो जाएगा, काइंड ऑफ एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा चलो, ज़्यादा दिल बर्दाश्त नहीं हो, कोई दूसरी मिसाल देता हूँ ये तो एकदम ही मायूस हो गया यार सर अच्छा और क्या मिसाल दूँ यार मैं साइड इफेक्ट की। वेल, तो साइड इफेक्ट ये होता है कि मेन इफेक्ट जो होता है ना उसके साथ साथ वो हो रहा होता है, साइड इफेक्ट कहलाते हैं। तो ये जो हमने यूज इफेक्ट को जो हमने जो फंक्शन पास किया हुआ है ना वो असल में क्या है, वो इफेक्ट है, वो क्या है, इफेक्ट है। अच्छा, एक बार तो वो इफेक्ट चलेगा खुद से, सही है, एक बार तो ये इफेक्ट चल गया खुद से, डिपेंडेंसी एरे मैंने दिया हुआ एम्प्टी, तो ये दोबारा कभी भी नहीं चलेगा, डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी देने की वजह से ये दोबारा कभी भी नहीं चलेगा। लेकिन अब ये एक नई बात बता रहा है, कह रहा है इसमें कुछ और भी चीज़ें दे सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं और उससे क्या होगा वो पता चलेगा हमें। अभी कह रहा है कि भाई ये जो है ना, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दैट दिस इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, कह रहा है कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे मेन इफेक्ट हो सकते हैं जिसका ये साइड इफेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इसके लगा दूँ, क्या भला यहाँ पर मैं लगा दूँ डार्क मॉड जो था ना मेरा, क्या था, इज लिट का वेरिएबल था मेरा, वो मैं यहाँ एरे में डाल दूँ, तो ये कब चलेगा फिर ये इफेक्ट, वो वेरिएबल जब चेंज होगा ना फिर ये चलेगा, वो वेरिएबल चेंज होगा तो फिर ये चलेगा, यानी वो वेरिएबल चेंज होना मेन इफेक्ट है और इसका चलना साइड इफेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही चलता रहेगा जब जब वो चेंज होगा, जब जब ये दोबारा चलेगा, ठीक है। अब ये क्या आर्टिकल में कैसे इन्होंने बताया इस बारे में ज़रा देखें, If we don't pass an array at all, then the effect will run on every render. ठीक है, नंबर एक बार, अच्छा ये दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ना, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना कि कैसे क्या चीज़ चलेगी, दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो ये हम अपने कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को थोड़ा थोड़ा करके अब समझना शुरू हो गए, कंपोनेंट बनेगा कैसे और डिस्ट्रॉय होने तक की क्या कहानी है।
अच्छा, इफ़ यू डोंट पास ए एरे एट ऑल, अगर मैंने एरे में कुछ भी पास नहीं किया तो हर रेंडर पे ये एक बार चल जाएगा, हर रेंडर में जितनी बार भी रेंडर होगा ना कंपोनेंट, कोई भी वेरिएबल चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, जितने बार भी हमने देखा है कि कंपोनेंट कब कब री रेंडर होता है, कोई वेरिएबल स्टेट वेरिएबल चेंज होता है, कंपोनेंट री रेंडर, ठीक है। हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब जाते हैं तो जिस पे गए हैं हम वो क्या होता है, वो रेंडर होता है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट बहुत ऐसे मवाक़े आते हैं जिसमें कंपोनेंट जो होता है री रेंडर हो रहा होता है, तो वो हम जब जब री रेंडर होगा ना, जब जब ये साइड इफेक्ट जो है ऑटोमेटिक चल जाएगा। नंबर एक पॉसिबिलिटी हो गई, हमने कुछ भी नहीं पास किया, एम्प्टी एरे भी नहीं पास किया उस सूरत में, देन द इफेक्ट विल रन ऑन एवरी एंड, सही है, एज इन इट विल री रन इफेक्ट आफ्टर द कॉल सेट पोस्ट, एज रनर विल रीफेच द पोस्ट एवरी टाइम रेंडर्स दिस दिस दिस। अच्छा, कह रहे हैं ऐसा करने से ना आमतौर पर क्या होगा, ये कोड, ये जो इफेक्ट है ना आपका, ये इनफाइनाइटली चलता ही चला जाएगा। ये थोड़ी देर पहले हुआ भी था शायद, एक बार मैं वो देना भूल गया था तो वो इनफाइनाइट चल रहा था, इस क्लास में हुआ था नहीं किसी और में हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि जब आप उसको एरे नहीं देंगे ना, हमारे इस स्पेसिफिक कोड की बात हो रही है, हर कोड की बात नहीं हो रही, इस स्पेसिफिक कोड में अगर मैं उसको एम्प्टी एरे नहीं दूंगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइटली चलना शुरू हो जाएगा। कैसे भला, वो ऐसे कि भाई इट विल री रन द इफेक्ट आफ्टर वी कॉल सेट पोस्ट। भाई पहली दफ़ा तो ये खुद ही, पहली दफ़ा तो रेंडर के बाद चलेगा ही ना, मतलब ये मैंने नहीं दिया तो पहली दफ़ा रेंडर के बाद ये चला, चलने के बाद इसने API कॉल की, API कॉल की, API का रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आते ही मैंने क्या किया, सेट पोस्ट। सेट पोस्ट एक स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल के चेंज होने पर कंपोनेंट री रेंडर होता है, तो री रेंडर होने पर ये इफेक्ट दोबारा चल जाएगा, दोबारा चलेगा तो API दोबारा कॉल हो जाएगी, और API का जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा मैं सेट पोस्ट दोबारा करता हूँ तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो ये इनफाइनाइट इस वजह से हो जाएगा, हमारे इस स्पेसिफिक केस में, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो, लेकिन हमारे इस स्पेसिफिक केस में ये इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ भाई, अभी नहीं, अभी एक एक करके ना, एक एक करके हम करते हैं, अभी हम ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि अगर एरे बिल्कुल नहीं डाला तो क्या होगा, अभी हम वो उस पर आते हैं थोड़ी देर में, जो तुम पूछ रहे हो ना कि इसमें अगर कुछ रख दें तो क्या होगा, उस पर भी आते हैं। अच्छा, द यूज इफेक्ट हुक विल ओनली क्यू अप द इफेक्ट अनदर टाइम इफ समथिंग हैज समथिंग इन दिस एरे हैज चेंज्ड। सिंस द एरे इज एम्प्टी, दिस इफेक्ट विल ओनली रन वंस आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर द फर्स्ट टाइम। कह रहे हैं कि एरे के अंदर अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ होगा तो ये कब चलेगा, जब वो वेरिएबल चेंज होगा ना, जब चलेगा, अदरवाइज अगर उसको हम खाली छोड़ दें तो एक दफ़ा चल के वो ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। और इसने क्या बात बताई है यहाँ पे इसके बारे में, बस इसने इतना ही बताया इसके बारे में। तो ये हमें डिपेंडेंसी एरे पता चल गया। अब एक सवाल है कि भाई ये डिपेंडेंसी एरे कौन सा ऐसा मौका आएगा कि जब ये डिपेंडेंसी एरे मुझे काम आएगा, है सोच के बताओ कैसे बोला, नहीं मुझे इसके, इसकी ज़रूरत पड़ जाए मुझे, इसके बगैर मेरा मसला हल ना हो। ज़ाहिर है जिसने भी बनाया सोच समझ के बनाया होगा, कहीं ना कहीं यूज़ तो होता होगा, मेरा सोचो कहाँ होता होगा यूज़, ये क्या लगता है। नहीं क्लिक होने में तो ऑन क्लिक लगा देता हूँ मैं, और हैंडलर उसका लगा देता हूँ। अच्छा, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ ना, मुझे आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ना, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया कि मैं इसके बगैर मेरा काम नहीं होगा, मुझे आज तक इसकी ऐसी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी ना बिल्कुल अशद वाली। हाँ, यूज़ करता रहा हूँ मैं इसको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट में यूज़ करता रहा हूँ मैं इसको, लेकिन मतलब जस्ट लाइक अ शॉर्टकट, कि यार चलो शॉर्टकट में हो रहा है इससे काम, अलग से फंक्शन कॉल करूँगा तो उससे अच्छा यहीं पे लगा दो, वो खुद ही अपने आप को री रेंडर करता रहेगा।
ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द कोर्स ना हम किसी पॉइंट पे हम ये काम करके देखें। अभी तो मुझे फ़ौरन कोई एग्जांपल सूझ रही नहीं है ऐसी कि जो जो मैं करके दिखाऊं कि भाई एक वेरिएबल रखो और वो चेंज हो तो चेंज करो उसको, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स हम कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल हम कोशिश करेंगे हम करके देखें ना इसमें कि जिस पे ये चेंज होने पे ऑटोमेटिक कॉल करें। मैं ये सोच रहा हूँ कि करेंसी कन्वर्टर में शायद हम इसको ज़बरदस्ती घुसा के चला के देख सकते हैं कि एक करेंसी चेंज हो तो इसको कॉल कर दे दोबारा, है ना। हाँ, पेज पूरा रीलोड नहीं होगा कि रेट रीलोड क्यों होगा, वो एपीआई सिर्फ कॉल होगी दोबारा, करके देख सकते हैं हम करेंसी कैलेंडर वाले, क्या ख्याल है, करके देखते हैं। चलो करेंसी कन्वर्टर में ये होगा कि दो मेरे पास खाने बने हुए हैं ना, तो दो खाने जाहिर है दो स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड हैं, तो एक स्टेट वेरिएबल भी अगर चेंज होता है तो मैं एपीआई दोबारा कॉल करवा दूँ, सही है, ये वाला सीन होगा कि एक स्टेट वेरिएबल भी अगर चेंज होता है तो मैं एपीआई को दोबारा कॉल करवा दूँ। अच्छा बाय द वे, ये है बैड प्रैक्टिस, ये बैड प्रैक्टिस है कि मैं कुछ हल्का सा टाइप करूँ और वो एपीआई कॉल हो जाए, ये बैड प्रैक्टिस। वो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जो भी मैंने टाइप करना है ना मैं पूरा टाइप करके एंटर प्रेस करूँ फिर एपीआई कॉल। उसका रीज़न ये है कि मैं अगर एक एक कैरेक्टर पर एपीआई कॉल करवाऊँगा तो बहुत ज़्यादा एपीआई कॉल लगेगी फिर, ठीक है। बैक स्पेस पर भी एपीआई कॉल लग रही होगी, स्पेस पर भी लग रही होगी, सब पे लग रही होगी, तो ये है वैसे। चलो छोड़ो, नहीं करते ये ना, कोई बेहतर इसका एग्जांपल आ जाएगा तो वो हम कर लेंगे, फिर अभी फिलहाल हम इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी एरे, हाउएवर आपको पता चल गया कि डिपेंडेंसी एरे में अगर कोई आपने स्टेट वेरिएबल रखा हुआ है तो उस स्टेट वेरिएबल के चेंज होने पर ना ये इफेक्ट दोबारा चलेगा, ये उसका फिर साइड इफेक्ट बन जाता है, उस वेरिएबल का साइड इफेक्ट बन जाता है, उस वेरिएबल को जब भी चेंज करेंगे साइड इफेक्ट दोबारा चल जाएगा। जी हाँ, क्या एग्जांपल दी हुई है, भेजो जरा यार, भेजा तुमने, इस पर भेज दो एयर डॉट सिस बॉर्ड पर, मुझे फ़ौरन में कोई अभी सूझ नहीं है एग्जांपल इसकी। नो डिपेंडेंसी एरे पास, डिपेंडेंसी एरे पास प्रॉप स्टेट, काउंटर बना के दिखाया इसने, नहीं मगर मसला ये यूज इफेक्ट के अंदर इसने सेट टाइम आउट लगाया है। नहीं नहीं ये कोई ढंग की एग्जांपल नहीं है यार, ये वही ज़बरदस्ती घुसाया हुआ है, ऐसा तो मैं करेंसी कन्वर्टर में भी घुसा सकता हूँ ज़बरदस्ती, यही होगा ये असल में, इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है इसको रन करने का, ये जिस तरह इन्होंने किया है ना सेट टाइम आउट लगा के, इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगी और कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, करेंसी कन्वर्टर वाले में कैसे ज़बरदस्ती डाल सकता हूँ मैं। देखो असूलन तो ये होना चाहिए कि एक फॉर्म होगा मेरे पास, उसमें दो खाने होंगे, मैं पहले में कुछ लिखूंगा दूसरे में कुछ लिखूंगा और सबमिट का बटन दबाऊंगा जब एपीआई कॉल होगी। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं उन दोनों बॉक्सेस को दो स्टेट वेरिएबल से कनेक्ट कर दूँ और एपीआई कॉल को मैं लगा दूँ यूज़ इफेक्ट में और इन दोनों वेरिएबल को उसमें एज अ डिपेंडेंसी एरे डाल दूँ, तो जैसे ही मैं एक बटन क्लिक करूँगा ना किसी भी खाने में तो एपीआई ऑटो कॉल हो जाएगी, ऐसा ही होगा ना। लेकिन ये इसका सही यूज़ नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती घुसाने वाली बात है। सही तरीका तो ये ना फॉर्म के सबमिट पे चले वो, सिर्फ एपीआई कॉल के यूज़ कर सकते हो। नहीं नहीं इफेक्ट के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, यूज़ इफेक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है। वेल होपफुली हमें दरमियान में किसी ना किसी जगह पे ऐसी कोई जगह आ जाए मुझे लगे हाँ यार ये वाला काम ना इसमें डिपेंडेंसी एरे के ज़रिए होना चाहिए, तो फिर हम वो कर लेंगे ना, ठीक है। अभी इसको फ़िलहाल हम उसकी एग्जांपल नहीं करके देख रहे फिलहाल के लिए। अच्छा हाँ, नहीं नहीं नोटिफिकेशन की बात नहीं है इसमें। अच्छा क्या इसने योर टर्न में लिखा है, टेक अ फ्यू सेकंड ट्राई इट आउट, इट हेल्प स्टिक द कॉन्सेप्ट, एक्सटेंड द यू आई टू इंक्लूड मोर डेटा फ्रॉम द रेडिट पोस्ट, दिस स्कोर इज सबमिटिंग द यूजर दिस। ये तो आप लोग कर चुके हैं सब, सही है ना, जो मैंने एपीआई बना के दी थी उस एपीआई से फेसबुक वाला पेज डेटा मंगवा के स्क्रीन पर रेंडर हो चुका है सब लोगों का। अभी मैं देख नहीं रहा, मैं नेक्स्ट क्लास में ये दोनों तीनों एक साथ देखूंगा, आपके वेदर ऐप और ये फेसबुक का जो रेंडर हुआ है ना ये वाला, ये सब एक साथ देखूंगा मैं। अच्छा तो अभी हम चलते हैं जी, और एक वेदर ऐप ना मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अब यहाँ पे जल्दी से। अच्छा और उस वेदर ऐप के अंदर मैं आपको फॉर्म जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, जो
अभी तक हमने जो फॉर्म पढ़ा है उसका थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है, फॉर्मिक नाम का एक हुक है, उसको इस्तेमाल करके हम देखते हैं। अच्छा क्या था, होम पे था? नहीं होम पे तो नहीं था, वो किस में था यार, वेदर, हाँ वेदर का पेज बना हुआ है ना, ये राउटर के अंदर वेदर का पेज। तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और मैं इसमें क्या बोल देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ भाई सेवन और फॉर्मिक, क्योंकि इस वाले में हम फॉर्मिक पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास का जो कोड था उसके पूरे फोल्डर की मैंने कॉपी बना ली है, और कॉपी बनाने के बाद मैंने उसका नाम रख दिया सेवन डैट डॉट फॉर्मिक, ठीक है।